हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो हम बात करेंगे GDS रिजल्ट डेट के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी आप लोगों ने वीडियो देख रखी है यूट्यूब पे जो मतलब बता दिया है कि डेट कब तक रिलीज होगी। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है लोगों के पास, बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताऊंगा रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, किन किन कैंडिडेट की कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, कितनी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं इस साल। और आप लोगों को जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगी। यार, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ लाइक और जरूर कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेटेड आती रहती है। और जितने भी आप लोगों की सभी राज्यों की मेरिट लिस्ट किस दिन रिलीज होगी, आप लोगों को सारा का सारा डेटा बता देंगे। पिछले साल जो 40,000 से ऊपर जो वैकेंसी निकाली गई थी, बट 2024 में आप लोगों की 44,228 पोस्ट निकाली गई है, और जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता दूं बहुत ज्यादा पोस्ट है। और यहां पर आप लोगों को कम मेरिट लिस्ट में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, कितने परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन किस स्टेट से हो सकता है, कितने नहीं हो सकता है, आप लोग मुझे ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सर, हमारे 60% भर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, जो भी स्टेट आप लोग फॉर्म में फिलअप कर रखा होगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देता, ताकि मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि आपका होगा या नहीं होगा। प्लीज ये कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मेरिट लिस्ट आप लोगों की निकाली जाएगी, कितने पे पहली लिस्ट निकाली जाएगी, देन कितनी लिस्ट निकाली जाएगी। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट इस वीडियो में क्या रहने वाला है, कौन कौन से पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और यहां पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से कब तक निकाली जाएगी और कितनी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो गाइस, आप लोगों की एक पहली जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो सेप्टेम्बर में निकाली जाएगी, जो फर्स्ट वीक होगा सेप्टेम्बर का, उस वाले वीक में आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज होगी। और यहां पर ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म तो भर दिए हैं, बस किसी न किसी कारण से कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग ये समझना फॉर्म तो ज्यादा फिल हुए हैं, बट आप लोगों की जो वैकेंसी है 44,000 ही रहेंगी, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो जिसकी फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, तो गाइस ये समझना कि इस बार आप लोगों का फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने साफ साफ करा था कि इतने फॉर्म, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ये 50% जैसे भी 20,000 फॉर्म निकाले तो 10,000 या 5,000 ये फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं, एक भी अगर इनका मिस्टेक पाई जाती है। जैसे एक कैंडिडेट के क्वेश्चन आया था कि सर, हमने अपना जो पिन कोड है वो गलत फिल कर दिया, तो मैं आपसे ये कहूंगा जो भी फॉर्म आप लोगों ने फिलअप करा है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई है ना फॉर्म में, चाहे फादर के नेम हुई, चाहे एड्रेस हुई, चाहे 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में हुई है, नाम में हुई है, तो आप लोग ये समझना कि आप लोग अपना इस साल आप लोगों का फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पहले से ही बहुत सारे फॉर्म फिलअप हो गए, वो नहीं चाहते हैं कि सबको वैकेंसी मतलब कि सबकी भर्ती हो। यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट की होगी जिनका फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरा हो गया, और जिन कैंडिडेट के यहाँ पर सही से मतलब परसेंटेज हो गए 10th क्लास में। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, इसमें से आप लोगों के 20 लाख फॉर्म तो रिजेक्ट ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख जो फॉर्म है, यहाँ पर पूरा का पूरा बात करूँ तो 20 लाख तो आप लोगों के फॉर्म पूरे के पूरे रिजेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों की इस साल 7 लिस्ट निकालने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, 7 या 8 लिस्ट आप लोगों की देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ, जो कैंडिडेट का फॉर्म मतलब कि फिल करते हुए थोड़ा सी मिस्टेक हुई है, तो आप लोग यही समझना आप लोगों का फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट का फॉर्म तरीके से फिल हुआ है तो उस कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर, इस बार वैकेंसी तो ज़्यादा है, तो किन किन किस स्टेट की मतलब कि कट ऑफ हाई रह सकती है, किन किन स्टेट की कट ऑफ आप लोगों की लो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो ये जो जुलाई सेशन 2024 का जो वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट आप लोगों की 44,228 पोस्ट है, स्टार्टिंग डेट आप लोगों की 15 जुलाई हुई थी, यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई थी 5 अगस्त रखी गई थी, जो एडिट के लिए डेट रखी गई थी, जो फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन करी गई थी वो 8 अगस्त करी गई थी, और यहाँ पर जो रिजल्ट की आप लोगों की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है, यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जा सकती है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन है, किन किन कैंडिडेट का हो सकता है, किन किन कैंडिडेट का नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना गाइस। थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगे यार, लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए, यहां पर एक तो हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया, ठीक है, यहां पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और ऐसे ऐसे स्टेट है ना, ये इनमें कट ऑफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, अब देखिए यूपी बहुत बड़ा, 75 जिले इसमें बिलोंग करते हैं, तो पूरे के पूरे 75 जिले नहीं आएंगे इसमें, ऐसे भी ज़िले हैं जिनमें मतलब कि शिक्षा जो दर है बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं जिनमें आप लोगों के 60% पे भी यूपी में आप लोगों का सिलेक्शन इस बार देखने को मिलेगा, ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। बट ये यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी ना गाइस, अभी मैं आपको लो भी बताऊंगा कि लो किस किस जोन की जाने वाली है। यहाँ पर आप लोगों की 90
प्लस परसेंटेज रहने वाली है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो राज्य बता रहा हूँ ये हाई कट ऑफ के हैं। आप लोगों को ये इस साल आप लोगों को थोड़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी 2024 के अंदर, और जैसे ही सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी इसी जोनों में, इन्हीं जोनों में आप लोगों की यहाँ पर 85% या 80% तक गिनने की संभावना है। और 7-8 निकाली जाएंगी तो गाइस आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड में नहीं भी आता है ना नाम, तो आप निराश मत होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिस्ट निकालने की बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ, एक तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये एक सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाने की संभावना है। ये गुजरात हो गया, अब गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिनकी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, बट बहुत सारे ऐसे हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जिन कैंडिडेट ने अगर जम्मू कश्मीर से फॉर्म फिलअप करा है तो आप लोग ये सोचना कि आपका यहाँ पर आपका 58 में भी परसेंट, अगर 10th में है 55 भी है 100% हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं झारखंड की बात करूँ, ठीक है, गोवा की बात करूँ, यहाँ पर ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें आप लोगों को बिल्कुल कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। कर्नाटका की बात करूँ तो ये ऐसे स्टेट हैं गाइस आप लोगों की, यहाँ पर 60% भी आप लोगों के, ये फर्स्ट मेरिट की बात बताऊँ तो यहाँ पर 80 जाएगी, ठीक है, किसी के बहकावे में बताओ 80 जाएगी। और सेकंड जो लिस्ट निकाली जाएगी इन्हीं जोनों से, जिन जोनों से फॉर्म फिलअप कराए, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बता देना, सर हम इस वाले जोन से बिलोंग कर रहे हैं, हमने ये वाले जोन से भरा है, हमारे 10th में ये, हम इस वाले कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC है कि ST है। और यहाँ पर कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर रखेगी इस बार 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये जरूर बताना है किस किस जोन से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करा है, कितने पे आप लोग सोच रहे हो कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो आपको लोगों को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। तो गाइस ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर आपको कुछ भी लगता है वीडियो के अकॉर्डिंग कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर कर देना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, जब भी इसकी नई नोटिफिकेशन आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगी। जब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।